हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए, तभी तो आप जान पाइएगा हमने वीडियो में आपको क्या दिखा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच पाए और हमारे वीडियो का लाइक शेयर आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों फ्रेंड तक कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं नई रेसिपी कढ़ाई पनीर। तो हमने शिमला मिर्च को कट कर लिया, टमाटर और प्याज, धनिया पत्ता, लहसुन ले लिया है एक गांठ, इधर पनीर को भी काट लिए हैं। तो इस तरह से बारीक करके हमने सबको काट लिया और रख लिया है। अब हम पहले लहसुन, प्याज, अदरक जो भी है उसको फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा फ्राई करेंगे धीमी आंच पर, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा ढक देंगे ये जल्दी से फ्राई हो जाए। तो हमको बनाना है आज कढ़ाई पनीर, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए जो हमने कैसे बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है कढ़ाई पनीर, टेस्टी, खाने में बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी फेमस है कढ़ाई पनीर। इसके बाद अब हम टमाटर डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे हल्का। तो इस तरह से फ्राई किए, ढक करके जो जल्दी फ्राई हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो अब हो चुका है, देखने से ही पता चल रहा है जो फ्राई हो गया है। अब हम इसको दूसरी बर्तन में डाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर हमने पनीर में हल्का सा एक चुटकी यानी कि चम्मच के चौथाई भाग रखे हल्दी पाउडर, काश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा सा और मिक्स पाउडर भी हमने डाल दिया था, और सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स पाउडर है वो भी चम्मच के चौथाई भाग। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये फ्राई हो चुका है, तो हम इसको हटा लेते हैं अब दूसरी बर्तन में ठंडा होने के लिए। इधर हम हल्का सा पानी मिक्स करेंगे और इस तरह से पनीर में मसाला जो भी है मिक्स कर देंगे। इसे पनीर
फ्राई होने पर काफ़ी टेस्टी और फ्राई भी रहता है पर सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, इससे ज़्यादा कड़क नहीं होता है और अच्छा से फ्राई हो जाता है। तो कढ़ाई में डाल करके इसको, कढ़ाई में हल्का सा हम तेल डाल लिए सरसों तेल, पनीर को अब डाल करके हम फ्राई कर लेंगे। और इसको इस तरह से फैला दिए ताकि जल्द से जल्द ठंडा हो जाए, और पनीर को बराबर चलाते रहेंगे। गैस को हम मध्यम रखेंगे। तो हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, अब हम इसको फ्राई से अलग रख लेंगे। और इसके बाद ये मिर्ची को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसे भी टेस्ट में फर्क आता है, इसलिए मिर्ची को हम फ्राई कर लिए। अब हम कढ़ाई में दो चम्मच सरसों तेल फिर डालेंगे और शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। और इधर ये अब ठंडा हो गया है तो इसको जार में रख कर के हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे और कुछ छोड़ देंगे, पूरा को नहीं पीसेंगे, कुछ खारा छोड़ देंगे। और इसका पेस्ट बना लेते हैं। बन गया पेस्ट हमारा तैयार, और इधर शिमला मिर्च फ्राई हो रही है, बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई कर रहे हैं जो अच्छा से फ्राई हो जाए। जैसे जैसे फ्राई होगा सॉफ्ट होकर के थोड़ा गलना शुरू हो जाता है, तो हो गया है फ्राई। इसको हम बर्तन से हटा लिए कढ़ाई से, और फिर हम सरसों तेल डाल करके अब मसाला फ्राई करेंगे। तो सरसों तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं जीरा छोटी चम्मच से एक चम्मच है, मिर्ची और तेज़पत्ता, इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया है उसको।
जार को पानी से थोड़ा धो करके हमने डाल दिया, तो तुलसी में बहुत सा पेस्ट लग गया था। और अब इसमें ऐड कर देंगे छोटी चम्मच, एक चम्मच है हल्दी पाउडर, इसके बाद एक चम्मच है मिक्स पाउडर, और एक चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी मसाले को मिक्स करके फ्राई करेंगे कुछ देर। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए। मसाला को भी उसी तरह मध्यम आंच रखेंगे गैस का और फ्राई करते रहेंगे। यह है गरम मसाला पाउडर एक चम्मच, मसाला फ्राई होते होते रंग कलर चेंज हो जाता है और मसाले से तेल निकलना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसमें ऐड कर दिए शिमला मिर्च और जो खरा हमने फ्राई करके टमाटर प्याज को रखा था उसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर जो हमने फ्राई किया था। अच्छा से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी प्रगाढ़ा ही रख के, इसलिए उसी अनुसार पानी को ऐड करेंगे। ढक्कन से ढक देंगे और उसके बाद 10 मिनट पका लेंगे। तो देखिए उबाल आ गया। पकाना तो कुछ है नहीं इसमें, सब कुछ पका है, फ्राई किया हुआ है, इसलिए बस एक दो बार उबाल आ गया, सब्जी हमारा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है। देखते हैं देखते चटपटा रहा है तो सब्जी तैयार हुआ, बहुत स्वादिष्ट एंड टेस्टी बना है। कढ़ाई पनीर होता ही लाजवाब है। तो अब हमारा खाना पकसा रहा है, खाना बनकर तैयार है हमारा।
कचौड़ी है, पूरी है, खीर है और साथ में पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर जिसको कहते हैं, बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट खाना है। फिर मिलेंगे, बाय बाय दोस्तों।